नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 जून रविवार शाम 6:15 की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। एक 10वीं पास युवक को फराटेदार इंग्लिश बोलना क्या आया, उसने कई महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी कर ली। मैट्रिमोनियल साइट से विधवा और तलाकशुदा महिलाओं का प्रोफाइल और मोबाइल नंबर चुराकर युवक ठगी की वारदातों को अंजाम देता था, लेकिन यह बदमाश युगल किशोर शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जिसने पूछताछ में एक दर्जन से अधिक महिलाओं के साथ ठगी की वारदातों को करना कबूल किया है। अजमेर जिले के प्रताप नगर क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। फांसी लगाने से पहले उसने पत्नी को बाजार भेज दिया, फिर अपना वीडियो बनाने के बाद फंदे पर लटक गया। पत्नी शिवानी बाजार से लौटी तो लोहा खान प्रताप नगर जेलर साहब वाली गली निवासी 33 वर्षीय नितिन पुत्र घनश्याम ओझा कमरे में फंदे पर लटका मिला। ये सब देख कर पत्नी के होश उड़ गए। वीडियो में उसने आत्महत्या के कारण अब स्पष्ट किए हैं। पुलिस के अनुसार नितिन का झुंझुनू में चेतन व मोहित से विवाद चल रहा है। झालावाड़ शहर के करीबी बालगढ़ गांव में तीन युवकों ने फोन कर गांव के एक किशोर को सुनसान जगह पर बुलाया और उस पर बकरी चोरी करने का आरोप लगाते हुए 1,00,000 रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने पर अर्धनग्न कर उसके साथ मारपीट की, मुंह काला किया और सिर के बाल भी काट दिए। इसके बाद रात भर पेट से बांधे रखा। सुबह परिजनों ने उसे छुड़वा कर जिला SRG अस्पताल में भर्ती करवाया। इसकी पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। दूसरे पक्ष ने भी किशोर पर घर में चोरी करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी। इस पर पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज किया है। इसके बाद दोपहर 3 बजे पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने बताया कि गांव के ही राम सिंह, दुर्गालाल व बजरंग लाल ने शुक्रवार रात को फोन कर बाहर सुनसान जगह पर बुलाया था। जयपुर की करनी विहार में एक प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपए लूटने के मामले में पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि व्यापारी ने कर्ज से बचने के लिए यह घटना रची थी। व्यापारी ने सल्फास की गोलियां खाकर आंखों में मिर्ची डालकर यह घटना रची थी। बता दें कि अस्पताल में वेंटिलेटर पर जाने के बाद व्यापारी की मौत हो गई। जोधपुर के कमला नेहुर नगर के हुडको चौराहा पर एक युवक नशे की हालत में पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को क्रेन की मदद से नीचे उतारा। युवक को पेड़ पर चढ़ा देख कई लोगों के होश उड़ गए। करौली के कैला देवी क्षेत्र के खोहरी गांव में एक युवती की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मृतका लाली देवी का कापीहर मंडरायल में है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चे में रखवाया है। वहीं पीहर पक्ष ने युवती की हत्या का अंदेशा जताते हुए मामला दर्ज करवाया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ के कानोद क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार पलटने से 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बताया कि गाय को बचाने के चक्कर में कार पलट गई। कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी को जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल में रेफर किया गया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में करंट लगने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 1 श्रमिक झुलस गया। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने बताया कि निम्बाहेड़ा के गांव मोहम्मदपुरा में यह घटना हुई है। बताया गया है कि निर्माणाधीन मकान की छत डालते समय यह हादसा हुआ। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.